मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को चने की साग बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। ये सर्दी के टाइम में मिलता है, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो आइए हम बिहारी स्टाइल में जो है चने का साग। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए पहले हम चना साग बनाने का सामग्री देखते हैं। यहाँ हमने लिया है उस साग को अच्छे से चून करके और बारीक बारीक काट लिया है, ये देखिए। अब हम लिए हैं नमक, हम यहाँ लिए हैं दो चम्मच चना जो हमने रात में इसको भिगो लिया था, एक चम्मच लिया है हमने बेसन, एक चम्मच हमने यहाँ घी लिया है, देसी घी डालने पे स्वाद थोड़ा अच्छा आता है। तड़के के लिए हमने लिया है यहाँ देखिए जीरा एक चम्मच, एक हरी मिर्च कटी हुई, एक छोटा अदरक कटा हुआ और 8 से 10 कली लहसुन। अब हम साग बनाने की विधि बता रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम डालेंगे जो है कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे, इसको करेंगे ऑन गैस को। अब हम इसमें थोड़ा 1 कप पानी डालेंगे और देखिए जो चना है इसको हम थोड़ी हल्का सा उबलने के लिए डाल देंगे। ये देखिए हमने चना उबलने के लिए डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। हल्का सा जब पक जाएगा दाल तब हम इसमें जो है साग डालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा जो है ये दाल अब हल्का हल्का पक चुका है। इस तरह से हम इसको चेक करेंगे कि ये पका है कि नहीं। तो दाल हमारा थोड़ा इस तरह से मिक्स होने लगा इस तरह से। तो अब हम इसमें डालेंगे साग, कटा हुआ चने का साग डालेंगे हम। सभी साग इस तरह से डाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस तरह से सारे साग को डाल देंगे और कम से कम इसको 10 मिनट तक ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा साग पूरा पक के मिक्स हो जाए और पूरा बारीक हो जाए। 10 से 15 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे रखेंगे और तो पका लेंगे। तो देखिए हमने जो है इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब इस तरह से साग जो हमारा मिक्स हो गया, पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग हमने जो है नमक डालेंगे, एक छोटी चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम डालेंगे, देखिए हमारा साग जो है इस तरह से पानी भी छोड़ दिया, साग पानी भी छोड़ता है। हमने 1 कप पानी भी यूज किया था, अब इसमें पानी बहुत कम रह गया है। तो हम डालेंगे इसमें एक छोटा चम्मच बेसन डालेंगे। और इसको मिक्स करते रहेंगे। इसको बनाने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगता है। चना का दाल जो है कच्चा रहता है तो इसमें टाइम लगता है। देखिए ये पक चुका है अच्छे से। इसको हम सभी पानी को हल्का सुखा लेंगे और थोड़ी देर इसे हम पकने के लिए फिर से लो फ्लेम पे ही ढक देंगे ताकि हमारा सभी जो है मिक्स हो जाए अच्छे से, पानी सूख ले। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा साग हो बन चुका है। अब हम इसको तड़का देने के लिए एक रखेंगे दूसरा फ्राई पैन को हम गरम कर लेंगे। इधर देखिए हमारा साग जो है बन चुका है।
अब हम इसमें तड़का देंगे। अब हम तड़का देने के लिए, देखिए आप तेल कुछ भी यूज कर, तेल या घी जो पसंद हो आपको तो इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने यहाँ किया है 1 चम्मच घी, घी गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें हींग, 1 लहसुन लिया था, अदरक और हरी मिर्च, 1/2 ब्राउन होने तक हम जो है पका लेंगे और जो है देखिए गर्म हो चुका है। अब हम इसको जो है साग के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। थोड़ा मिला लेंगे साग को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा साग बन के तैयार हो चुका है। हमने ऊपर से बारीक कटा हुआ थोड़ा धनिया हरा डाला है। अब जो है ये साग बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। इसको ये साग जो है चने की साग मक्के की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको अपने घर में बनाइए देख के वीडियो और खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल सीमा तिवारी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।